इन पीएच आर रैपिड। यहाँ पर रिस्पायरेटरी रेगुलेशन में जो पीएच के अंदर चेंजेस होती है वो तेज़ होती है, रैपिड होती है, रैपिडली चेंजेस आ रही होती है, क्योंकि हम बार बार ब्रीथिंग कर रहे हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर रहे हैं और रैपिड हो रही होती है। तो रैपिड होने की वजह से इनके अंदर जो चेंजेस है पीएच में वो भी रैपिड हो रही होती है। नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल यहाँ पर जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में या लंग्स में हमारे पास 35 to 45 mmHg जो है ये इसका रेंजेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। फिर किडनीज में रेनल रेगुलेशन में हमारे पास किडनी में द लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये लॉन्ग टर्म रेगुलेटर है। क्यों? क्योंकि ब्लड बार बार हमारी किडनीज में आता है रिफाइन होने के लिए, साफ होने के लिए, और ये लॉन्ग टर्म आता है, बार बार आता रहता है, यूज़ होता रहता है, और ये स्लो टू रिस्पॉन्ड है। जिस तरह स्पीड में वो काम कर रहा था, लंग्स काम कर रहे थे, ये उसके मुकाबले में स्लो है। मे टेक आवर्स आर डेज टू करेक्ट पीएच, ये दिन या जो है घंटे ले सकता है पीएच को रेगुलेट करने के लिए, ठीक करने के लिए। हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं या ड्रिप्स वगैरह, रिंगर वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो बेसिकली ब्लड में शामिल हो रहा होता है और वो उसकी वैल्यूज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास 24 घंटे भी लग जाते हैं। हम 24 घंटे में एक लगवा रहे होते हैं, उसके बाद फिर दोबारा टेस्टिंग करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली ये जो प्रोसीजर है ये टाइम ज़्यादा लेता है, या घंटों में या दिनों में टाइम लेता है। अच्छा जी, किडनी मेंटेन बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग और कंजर्विंग बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। अब किडनीज किस तरह मेंटेन करती है बैलेंस को, या वो एक्सक्रीट करेंगी या कंजर्व करके रखेंगी अपने पास किन किन चीज़ों को, बाइकार्बोनेट को और हाइड्रोजन आयन्स को। नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, सही है, ये इसकी वैल्यू है नॉर्मल बाइकार्बोनेट की। हम जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें जब हम ये इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट वगैरह करवा रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास ये वैल्यूज़ बाकायदा आ रही होती है और ये हमें बता रही होती है कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स का या एसिड बेस इम्बैलेंस है या बैलेंस है ब्लड के अंदर। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड बैलेंस, सबसे पहले एज, स्पेशली इन्फेंट्स ऑन द एल्डरली एंड द एल्डरली, जितने हमारे पास जो फैक्टर है सबसे पहले कि वो बैलेंस को जो डिस्टर्ब करता है उसमें एज है, और एज में सबसे पहले हमारे पास जो इन्फेंट्स है उनका इशू होता है और जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनका इशू होता है, क्योंकि इनकी जो वैल्यूज़ होती है वो अप एंड डाउन होती है और जो नॉर्मल वैल्यूज़ है उसमें फ़र्क होता है। जेंडर एंड बॉडी साइज, जो जेंडर है और बॉडी साइज है उसमें भी फ़र्क होता है, जैसे फीमेल के अंदर मेल के अंदर ये जेंडर फ़र्क होता है, और बॉडी साइज़ का मतलब वो बंदा जिसकी बॉडी का वेट 40 kg और वो बंदा जिसका 80 kg है, दोनों की जो जो काउंट है इलेक्ट्रोलाइट्स काउंट से या जो एसिड बेस काउंट है उसमें डिफरेंस होगा। और स्पेशली अमाउंट ऑफ फैट, जो ओबीस पेशेंट हैं, जो ऐसे हैं जो हेल्थी पेशेंट्स हैं, या हेल्थी तो नहीं कहूँगा इनको, ओबीस पेशेंट है, जो ओवरवेट पेशेंट है, उनके अंदर जो है वो फ़र्क होता है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर, माहौल का मतलब, जो लोग वो ऐसे इलाकों में रहते हैं जो ठंडे इलाकों में रहते हैं उनके इन्वायरमेंट में और बॉडी के एटमॉस्फेयर में, और जो गर्म इलाकों में रहते हैं उनके बॉडी के एटमॉस्फेयर में डिफरेंस होगा। लाइफस्टाइल क्या है, लाइफस्टाइल का भी बड़ा फ़र्क है। वो लोग जो रिलैक्स इन्वायरमेंट में रहते हैं या रिलैक्स लाइफस्टाइल होता है उनका, उनके एसिड बेस की बैलेंस जो है वो नॉर्मली मेंटेन रहती है, और वो लोग जो स्ट्रेस में होते हैं उनके अंदर जो एसिड्स और बेस हैं उनकी जो जो रिलीज़ है वो ज़्यादा हो रही होती है और उनका एसिड बेस बैलेंस जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है स्ट्रेस की वजह से। एसिड बेस इम्बैलेंसेस हमारे पास चार इसके मेन काजेज हैं कि क्या होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है इसमें, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है इसको ज़रा हम स्टार्ट करेंगे, और यही आज का हमारा आखिरी टॉपिक है, इसी पे वाइंड अप करेंगे। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है, मैकेनिज्म क्या है इसका, हाइपोवेंटिलेशन होती है और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो तो इसे हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं, और इसमें हाइपोवेंटिलेशन होती है। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब क्या है कि सांस की जो वो होती है वो कम हो जाती है, वेंटिलेशन हमारी कम हो जाती है, हाइपो हो जाती है। एटियोलॉजी कार्डियक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से होती है, सही है, और न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ की वजह से होती है। रेस्पिरेटरी सेंटर अगर आपका डिफ्रेस हो जाए,
लेट ARDs की वजह से होती है, इनएडिक्वेट मैकेनिकल वेंटिलेशन, जो हमारे वेंटिलेशन हो रही है मैकेनिकल वो इनएडिक्वेट अमाउंट में हो रही होती है, प्रॉपरली नहीं हो रही होती, उसकी वजह से होता है। सेप्सिस या बर्न्स की वजह से भी हो सकता है। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इंटेक, अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली फैट शुगर वगैरह जो हमारे पास है, अगर आप उसका एक्सेसिव इंटेक कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये हो सकता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जो सिम्टम्स वगैरह है, जैसे पर्सन कहता है कि आई कैंट कैच माई ब्रीथ, मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, इसमें हाइपोवेंटिलेशन होती है जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, और डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास आ रही होती है। रैपिड शेलो रिस्पायरेशन होती है, हम बार बार सांस ले रहे होते हैं, हमारी सांस अकड़ रही होती है, बीपी हमारा डिक्रीज़ हो जाता है क्योंकि वेजल्स डायलेट हो जाते हैं, और हमें नींद नहीं आ रही होती, सर में दर्द होता है, और कैल्शियम की अमाउंट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है, और डिसरिदमिया होता है, हार्ट का जो रिदम है वो ब्रेक हो रहा होता है। और क्यों हो रहा होता है? क्योंकि हमारे पास जो पोटाशियम है उसकी अमाउंट हमारे पास इंक्रीज़ हो जाती है। पीएच हमारे पास लंग्स का 7.35 से नीचे हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो हमारे पास अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है 45 mmHg से ज़्यादा भी, और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होती है लंग्स में, लंग्स में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन हो रहा होता है, और हम कोशिश करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास रिटेन ना हो, क्योंकि हमारे पास नीड ऑक्सीजन की होती है, हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन हमारे पास हो। ड्राउजीनेस होती है, डिजीनेस होती है, डिसऑरिएंटेशन होती है, आप किसी काम के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे होते, मसल वीकनेस हो जाती है, और हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है। इसकी वजूहत क्या है कि डिक्रीज हो जाती है रिस्पायरेटरी स्टिमुलाय, जैसे एनेस्थीजिया हो जाता है या ड्रग ओवरडोज की वजह से, और कार्डियक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है, नमूनिया हो जाता है, और एटिलेक्टेसिस हो जाता है, और इसकी वजह से तमाम जो हमारे पास रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होती है ये हमारे पास हो जाती है। तो ये इसका लास्ट स्लाइड बाकी है, इसको कंटिन्यू करते हैं। रिस्पायरेटरी एसिडोसिस की सिम्टम्स क्या है? डिसनिया होती है, डिसोरिएंटेशन होती है, कोमा में पेशेंट चला जाता है, डिसरिदमियाज होती है, डिसरिदमिया क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो पोटाशियम है उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे पास, और पीएच हमारे पास 7.35 हो जाता है, और पार्शल प्रेशर जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो 45 mmHg हो जाता है मरकरी, और हाइपरकैलेमिया हो जाता है या हाइपोक्सीमिया हो जाता है हमारे पास, हमारे पास कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है या ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। ट्रीटमेंट हमारे पास, ट्रीट अंडरलाइंग कॉजेज, मतलब जो जो कॉजेज़ हैं, जैसे कि डिसनिया है, डिसोरिएंटेशन है, या कोमा है, डिसरिदमियाज है, इन तमाम कॉजेज़ को या सिम्टम्स को जो है वो हम ट्रीट कर रहे होते हैं, और सपोर्ट वेंटिलेशन, हम वेंटिलेशन को सपोर्ट कर रहे होते हैं, पेशेंट को ऑक्सीजन पर लगा रहे होते हैं, और इसके अलावा करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है, जैसे कि ये इंक्रीज पोटाशियम हो गया या कैल्शियम हो गया या ऑक्सीजन हो गया, उसको हम नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। जब तक ये नॉर्मलाइज नहीं होगी, ये जो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है ये ख़त्म नहीं होगी, और हम आईवी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो दे रहे होते हैं, जैसे कि रिंगर लैक्टेट वगैरह, ये चीज़ें आप यूज़ कर रहे होते हैं, एनएस नॉर्मल सलाइन वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम इस कंडीशन में यूज़ कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे।